बना दी आपको। अब मैं आपको वापस बना देता हूँ, अब आप ना कर लीजिएगा। अब शो करवाएं स्क्रीन। ओके सर। हैबिट्स और एटीट्यूड के बारे में बताया था कि जो हैबिट्स और एटीट्यूड्स में ज्यादा फर्क नहीं होता, इसमें जो होती है हैबिट्स इनमें इनकी प्रैक्टिस से चेंज होती है लेकिन इतना खास फर्क नहीं होता। और जो हैबिट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जो वो सुबह उठता है और सब ब्रश करता है और वो उसके बाद खाना वगैरह खाता है, तो वो उसकी हैबिट्स होगी। और इस तरह अगर वो उसको अपना लेगा तो वो उसका एटीट्यूड हो जाएगा। उसके बाद है मोटिवेशन। मोटिवेशन दो तरह के होते हैं, और मोटिवेशन अगर उसने से कहा था, उसने कहा क्या था कि किसी भी पर्सनैलिटी का जो थ्योरी है उसका जो होता है प्रॉब्लम ये है कि वो एक किस तरह कर सकता है। और एल्पोर्ट ने ना सिर्फ अपनी शख्सियत का थ्योरी बताई थी बल्कि उसने मुहावरे के बारे में भी कोशिश किया था। और उसके बाद उसने ये बताया था कि जो उसके लिए अहम होते हैं उस तरह कॉलेज की जो ट्रेनिंग होती है उसमें जो बच्चे स्कूल में एजुकेशन हासिल करते हैं चाइल्डहुड में होते हैं, तो उनके माजी के बारे में बताया गया था। और जो उनका कुछ बिल्कुल चेंज वही होता है, माजी में ये होता है कि इंसान जो है अपनी चेंज अपने आते जो है चेंज कर लेता है और उसमें उनका जो मुहरक है वो चेंज हो जाता है। और उसके बाद उन्होंने बताया था कि इसमें प्राइड पर क्रिटिसिज्म आवाज था। आपकी और उसके कट बाद कट के आ रही है, आवाज कट कट के आ रही है। आहिस्ता करें थोड़ा सा और माइक को थोड़ा सा। प्रॉब्लम अब होगा तो चले, अब करें फंक्शन ऑफ इकोनॉमी है। इसमें दो तरह के फंक्शन बताए गए हैं, और एक पहले फंक्शन जो है इसमें उसने बताया था कि किस तरह इंसान जो है फंक्शन होता है और इसमें जो एडल्ट होते हैं वो किस तरह समझ सकते हैं। और उसके बाद से ये बताया था कि असलियत के बारे में बताया था और या कौन से पास को बरकरार रखा जा सकते हैं। और उसके बाद से बताया था कि इंसान की जो प्रैक्टिस हैं उसके लिए बात की थी। और जो इंसान के नफ्स और एहसास को बरकरार रखता है और इससे हम जो समय की तरह तजर्बा कर सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल जैसे मिट्टी वगैरह में इंसान होता है तो उसके स्टार्ट से ही होते हैं। उसके बाद हमारे पास इकोनॉमी इसमें था कि इंसान अपने बहुत किस तरह सीखता है और किस तरह वो कर सकता है, कि इसमें इंसान के जो प्रेजेंट के बारे में कुछ ज्यादा होता है। जो इंसान अपने शूट हॉल को देख रहा है उसको जो शुक्र से रहता है और अपने बात करता है और इस तरह उसकी तमन्नाएं एनर्जी मिलती है और पेंडिंग में रखी जाती है। लोग अपनी मुलाकातों से जो उसके पेश कर रहे हैं काम वगैरह उसके होता है। और इसमें इंसान की जो दिलचस्पी बढ़ जाती है काम की, अगर इंसान अच्छा होगा तो वो काम अच्छे से करेगा। और उसके बाद थैंक्स, यही था सर। नेक्स्ट फोन। नेक्स्ट कौन है? सर मैं हूँ नेक्स्ट। सर जी जैनब या मारिया? फैसला कर लें। मारिया आपने प्रेजेंट करना सर है, बोले तो जी सही। सर निगत के बाद, जी मैं सर निगत के बाद मेरी टर्न। आपको मैंने होस्ट बना दिया है, स्क्रीन शो करवानी है तो करवा। जी सर। सर हो रही है शो?
मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, प्रेजेंट करें। अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज मारिया एंड माय रोल नंबर इज 4649। मेरा जो टॉपिक है वो है, बेसिकली हमारा जो मेन टॉपिक था वो था गॉर्डन एलपोर्ट, और उसका जो है निगत ने जहाँ से ख़त्म किया है उससे आगे मैं स्टार्ट करूँगी। तो मेरा टॉपिक स्टार्ट होता है द यूनिक सेल्फ। एलपोर्ट ने जो है वो सेल्फ के लिए एक टर्म यूज़ की थी प्रोपरियम की। उसने जो सेल्फ या ईगो की जो टर्म है उसको रिजेक्ट किया था। उसने कहा था कि इसके इसमें जो है वो डाइवर्सिटी ऑफ मीनिंग है सेल्फ और ईगो के वर्ड में, इसलिए उसने इसको प्रोपरियम का इसके लिए वर्ड यूज़ किया था। तो उसने ये कहा था कि यूनिक सेल्फ, उसने इसको इस तरह से कहा है कि हमारे बहुत से मतलब इसमें वो हमारे पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स आ जाते हैं जो हमें दूसरों से मुख्तलिफ करते हैं। तो हम किस तरह से दूसरों से मुख्तलिफ सोचते हैं, हमारा थॉट पैटर्न क्या है, हमारी थॉट डायरेक्शन क्या है, हमारे एटीट्यूड्स क्या हैं, हमारी परसेप्शन क्या है, वो सब एक दूसरे से जुदा होती है और यही हमारी जो है वो यूनिक सेल्फ होती है। आगे उसने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस बताई थी। तो वो हैं, इसमें बेसिकली प्रोपरियम जो है उसकी डेवलपमेंट ही होती है और उसी की ये स्टेजेस हैं। एलपोर्ट ने जो है वो जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्रोपरियम का वर्ड जो है वो सेल्फ के लिए यूज़ किया था। तो उसका कहना था कि जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें प्रोपरियम जो है वो मतलब डेवलप होना स्टार्ट होता है इन्फेंट्स। मैं कुछ नहीं मतलब जानता, उसे ना ये पता होता है कि मेरा वजूद जो है वो दूसरों से अलग है या मैं एक अलग इंसान हूँ। ये चीज़ इन्फेंट्स में नहीं पाई जाती। उनमें सिर्फ वो जो एक्सपीरियंस करते हैं वो सिर्फ सेंसरी इंप्रेशंस एक्सपीरियंस करते हैं, और इसके अलावा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को जो होता है उसको रिएक्ट तो इस तरह से करते हैं कि ऑटोमेटिकली रिएक्ट करते हैं या रिफ्लेक्सिवली इस तरह से वो रिएक्ट करते हैं। तो इसको इन्फेंट को हम डिस्क्राइब इस तरह से कर सकते हैं कि इन्फेंट्स जो होते हैं वो एज अ प्लेयर सीकिंग होते हैं, सेल्फिश होते हैं और डिपेंडेंट होते हैं दूसरों के ऊपर। आगे इसके जो स्टेजेस का जैसे मैंने बताया उसमें जो पहली तीन स्टेजेस होती हैं वो बर्थ से लेके 4 ईयर की एज तक होती हैं, और इन्हीं में ही प्रोपरियम जो है वो डिवेलप होना स्टार्ट हो जाती है। तो जो पहली जो तीन स्टेजेस होती हैं उसमें जो बच्चा होता है उसको पता चलता है कि बॉडी सेल्फ जो है उसके बारे में उसे अवेयरनेस होती है। नेक्स्ट स्टेज आ जाती है सेल्फ आइडेंटिटी की स्टेज। तो सेल्फ आइडेंटिटी में बेसिकली ये होता है कि बच्चा अपने आप को पहचानना शुरू करता है। वो ये तो जानता है कि वो दूसरे लोग जो हैं वो उन जैसा ही है जैसे जिस तरह के दूसरे लोग हैं, लेकिन उससे ये भी पता है कि हमारी बॉडीज डिफरेंट हैं और हमारी एबिलिटीज भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो ये सेल्फ आइडेंटिटी की स्टेज होती है। इसमें सेल्फ इस्टीम डिवेल्प होना स्टार्ट होती है, और इसके अलावा जो है वो नई नई चीज़ें बच्चा जो है वो एक्सप्लोर करता है, ठीक है, उन्हें मैनिपुलेट करता है ऑब्जेक्ट्स को, डिफरेंट बिहेवियर्स को देता है। और अगर इस स्टेज में ये होता है कि अगर अगर बच्चा जो है वो किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना चाह रहा है और पेरेंट्स जो हैं वो उसे फ्रस्ट्रेट कर देते हैं उसकी नीड को, फॉर एग्जांपल उसे रोक देते हैं, तो ये होता है कि उसकी नीड जो है वो पूरी नहीं होती, फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तो फिर इसका जो कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि उसकी सेल्फ इस्टीम लो हो जाती है, और उसमें एंगर और ह्यूमिलेशन वगैरह जो है वो इस तरह की फीलिंग्स आना जो स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है सेल्फ एक्सटेंशन या सेल्फ इमेज की स्टेज है। इसमें ये होता है कि बच्चा जो है मतलब अपनी सेल्फ इमेज को डेवलप करता है। वो ये तो मतलब वो देखता है कि वो क्या है और वो क्या बनना चाहता है। वो दूसरों को मतलब इंटरेक्शन लेता है दूसरों से, और ख़ुद में फिर जो है वो चेंजेस लेके आता है अपने बिहेवियर में, जो चीज़ उसे अच्छी लगती है वो अडॉप्ट करता है दूसरों की तरफ देख के। तो ये सारी चीज़ें इस तरह वो अपनी सेल्फ इमेज को जो वो मतलब बनना चाह रहा होता है वो उसकी तरफ जो है वो स्ट्राइव करना शुरू कर देता है। ये होती है सेल्फ इमेज की स्टेज, और ये बेसिकली 4 to 6 ईयर्स जो हैं ये सेल्फ इमेज या सेल्फ एक्सटेंशन की स्टेज होती है।
नेक्स्ट जो है वो सेल्फ एज अ रेशनल कॉपर, इसका जो पीरियड है वो 6 से 12 years तक की जो एज होती है उसके दरमियान होता है। इसमें बच्चे जो हैं वो बेसिकली हर चीज़ की रीज़न ढूंढना शुरू कर देते हैं, यानी कोई चीज़ हो रही है तो उसके पीछे क्या रीज़न है। कुछ उन्हें प्रॉब्लम्स अगर फेस करना पड़ रही होती हैं तो वो उनको लॉजिक्स के हिसाब से देखते हैं। रीज़न और लॉजिक बेसिकली इसमें आ जाता है कि एवरीडे प्रॉब्लम्स जो वो फेस कर रहे होते हैं उसमें वो रीजनिंग और लॉजिक्स को लाना शुरू कर देते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस स्टेज तक आके जो बच्चे की प्रॉब्लम है वो डेवलप हो जाती है। डेवलपमेंट का जो है वो सिलसिला वो जो है चलता रहता है और स्ट्राइव उसकी वो जो है बच्चा करता रहता है। ये निम्रा अपना कैम बंद करें, निम्रा को कहें अपना कैमरा बंद कर। चलो ठीक है, प्रेजेंट करें। नेक्स्ट आता जाता है पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन। पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन है वो प्रॉपरियम की डेवलपमेंट के लिए जो है वो सबसे मतलब जरूरी चीज़ है, वो पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन ही होता है। मतलब बच्चा जो है जब इस दुनिया में आता है जो पहला इंटरेक्शन उसका होता है वो उसकी मतलब फैमिली ही होती है, उसके पेरेंट्स होते हैं, उसकी माँ होती है। तो वहीं से ही उसकी प्रॉपरियम जो है वो डेवलपमेंट उसकी स्टार्ट होती है। तो यही मतलब सबसे एक जरूरी चीज़ है पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन। तो मतलब ये चीज़ जो है अगर इसमें खराबी होती है तब भी उसकी पूरी पर्सनैलिटी मतलब इस चीज़ पर यहाँ पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन में कहीं अगर मसला है तो उसका असर जो है फिर उसके मतलब पूरी पर्सनैलिटी पर उसके अडल्ट तक सब कुछ चेंज होता है। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर तो इस स्टेज में जो है बच्चे को एक सफिशिएंट अफेक्शन और सिक्योरिटी जो है उसकी मदर की तरफ या केयर गिवर की तरफ से प्रोवाइड की जाती है उसे, तो फिर तो उसकी जो प्रॉपरियम की डेवलपमेंट है वो ग्रेजुअली और स्टेडली होती है और वो जो है अपनी जो पॉजिटिव साइकोलॉजिकल ग्रोथ है उसको अच्छे तरीके से अचीव करता है। पूरी नहीं हो रही होती तो फिर जो उसकी सेल्फ है वो प्रॉपरली मेच्योर नहीं होती। तो उस इसका इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो इस तरह से आना शुरू हो जाते हैं कि बच्चा इनसिक्योर हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है और मतलब आइंदा फ्यूचर में या एडल्टहुड में भी वो डिमांडिंग हो जाता है, जेलस होता है और सेल्फ सेंटर्ड जो है वो होता है। इसमें जो है वो साइकोलॉजिकल ग्रोथ जो होती है वो भी उसकी स्टंट हो जाती है क्योंकि वही बात है कि उसकी नीड्स पूरी नहीं हुई तो उसकी वजह से उसके कॉन्सिक्वेंसेस के मैंने पहले बताए हैं तो वो सारे आना शुरू हो जाते हैं। और फिर ये जो सारी चीज़ें हैं जो लीड करती हैं वो ये बच्चा जो है वो एक न्यूरोटिक एडल्ट के तौर पर आता है सामने। बस सर थैंक यू, यहीं तक था मेरा टॉपिक। नेक्स्ट कौन है? मुझे आप होस्ट बना दें। नेक्स्ट कौन है? सर नेक्स्ट दैनम है। मुझे आप हो अच्छा बना दिया है। नेक्स्ट जैनब है। अब जैनब का है, जैनब बोले जरा। सर वो क्लास में नहीं आए थे। तो उसने कब क्लास में आना है? आप लोगों ने वक्फे से प्रेजेंट किया करना है। उसे नहीं पता था ये क्लास का टाइम है। बोले जवाब दें आप लोग। वो एक डॉक्टर जाहिद थे, कल भी वो बाद में आए थे, आज भी उन्हें टाइम नहीं मिला। सर उसकी ना चाचू की बेटी की डेथ हो गई है तो वो वहां पे है, उसने सोशल की भी नहीं दी आज। तो जैनब को क्या हुआ है?
और उसने मुझे बताया ही नहीं। पूछे उनसे, उसे क्या मैंने बाद में प्रेजेंटेशन नहीं लेनी, ये क्या ड्रामा हुआ कि एक एक करके आप लोग प्रेजेंट कर रहे हो। सर मैंने तो उसने मुझे कोई मैसेज ही नहीं किया। तो अब आप मैसेज करके पूछ लें, उन्हें कहेंगे क्लास में आना आप पसंद करेंगे। जी सर मैं पूछ। सर मैसेज कर दिया। उस दिन हमने किस पेज तक पढ़ा था, पेज नंबर क्या था? है याद किसी को? आलपोर्ट का हम पढ़ रहे थे, कौन से पेज नंबर तक पढ़ा था? ये माइक किसका ऑन है? बताएं कहां तक पढ़ा था हमने? हमने उस दिन मेरा ख्याल पढ़ लिया था सेंट्रल ट्रेड्स तक। आज हम पढ़ते हैं उससे आगे कॉमन ट्रेट वर्सेस पर्सनल डिस्पोजिशन। आलपोर्ट मेड येट एन अदर डिस्टिंक्ट अमंग ट्रेट। आलपोर्ट ने एक और ट्रेट्स के दरमियान फर्क को फाइंड आउट किया। कॉमन ट्रेट्स आर कैटेगराइज फॉर क्लासिफाइंग ग्रुप्स ऑफ पीपल ऑन पर्टिकुलर डिमेंशन। उन्होंने जो आम ट्रेट्स थी, आम खूसियात थी, उन्हें कैटेगराइज किया के उसकी बुनियाद पर हम किस तरह लोगों को मुख्तलिफ डिमेंशंस के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं, उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। वी माइट से हम ये कह सकते हैं फॉर एग्जांपल द सम पीपल आर मोर डोमिनेंट देन अदर। हम ये कह सकते हैं कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत डोमिनेंट होते हैं दूसरों के निस्बत, और डेट सम पीपल आर मोर पोलाइट देन अदर के कुछ लोग बहुत ज़्यादा नरम लहजे के होते हैं दूसरे लोगों के निस्बत। Such generalized dispositions are in our court view. इस तरह की जो आपके दिन में पहले से ही आप एक बंदे के बारे में इमेज सेट कर लेते हो कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट हार्ट वो बहुत ज़्यादा नरम लहजा रखता है या वो बहुत ज़्यादा सख्त लहजा रखता है, ये पहले से ही आप लोग जहन बना लेते हो। इन आर कोर्ट व्यू लिमिटेड यूजफुलनेस इन आ साइंस ऑफ पर्सनैलिटी। कि ये जो डिस्पोजिशन होती है ना ये यूजफुल बहुत कम बहुत किसी हद तक यानी कि यूजफुल साबित होती है पर्सनैलिटी की साइंस में। मच मोर टू हिज लाइकिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल डिस्पोजिशन। कोई भी बंदा किसी भी चीज़ को लाइक करता है वो उसके लिए पर्सनली तौर पे डिस्पोजिशन बन जाती है, यानी कि वो उस चीज़ को एक नॉर्मल होकर नहीं सोच रहा होता बल्कि लाइकनेस की बेस पे सोच रहा होता है, इसलिए वो डिस्पोजिशन हो जाती है।
इन कंट्रास्ट टू द कॉमन और जनरलाइज ट्रेट, अगर हम आम और जनरलाइज ट्रेट को समझने की कोशिश करें या इनका कंट्रास्ट करें, द पर्सनल डिस्पोजिशन इज द यूनिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन, के एक जो बंदे की जाती जो डिस्पोजिशन होती है वो हर बंदे की एक यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि एक बंदे को दूसरे बंदे से मुख्तलिफ करती है। अ ट्रेट नॉट शेयर विद अदर, और वो बंदा जो होता है वो अपनी खूसियत को दूसरों के साथ शेयर नहीं करता। आरपोर्ट अर्ज साइकोलॉजिस्ट टू स्टॉप पेइंग सो मच अटेंशन टू द रोल ऑफ कॉमन ट्रेट, आरपोर्ट ने इस चीज़ पे जोर दिया कि साइकोलॉजिस्टों को चाहिए कि वो ज़्यादा तवज्जो इस चीज़ पर जो आम सी ट्रेट्स हैं उन पर ज़्यादा तवज्जो ना दें, एंड फोकस इंस्टेड ऑन द दूस करेक्टरिस्टिक्स यूनिक टू द इंडिविजुअल, और उस उन करेक्टरिस्टिक्स पे उन्हें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए साइकोलॉजिस्ट को जो कि एक बंदे को दूसरे बंदे से मुख्तलिफ करती है। He believed that common traits were categorized into which the individual is forced. उनका यह मानना था कि जो common traits होती हैं उन्हें groups में रखा जाता है जो कि किसी बंदे को कुव्वत मुहैया करती हैं या उसे मजबूर करती हैं, whereas personal dispositions are disposition more accurately reflect the individual own personality structure. अब जो पर्सनल डिस्पोजिशन होती है ना वो आमतौर पे एक बंदे की जो साख्त होती है शख्सियत की उसको प्रेजेंट कर रही होती है, उसको शो करवा रही होती है। बाय एंड लार्ज इन्वेस्टिगेटर्स हैव क्लेम दैट यूनिक और इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट आर इम्पोज टू इमेजन, एक बड़े पैमाने पे जो तहकीक हुई उस तहकीक से ये बात साबित हुई कि जो यूनिक और इनफरादी कंस्ट्रक्ट्स होती हैं वो आर इम्पोसिबल टू इमेजन, हम उनको इमेजन भी नहीं कर सकते, उनको इमेजन करना भी नामुमकिन होता है। इफ़ वी यूज कंस्ट्रक्ट डेट वर यूनिक टू द इंडिविजुअल, अगर हम वो वाली कंस्ट्रक्ट का इस्तेमाल करें जो एक फर्द को तो दूसरे पर बढ़तरी देती है, देयर वुड बी नो वर्ड इन द लैंग्वेज, उसके लिए किसी भी जुबान में कोई भी अल्फाज नहीं होते। उसके लिए किसी भी जुबान में कोई अल्फाज नहीं होते। इसके साथ साथ आ जाता है हमारे पास वी वुड कंटिन्यूसली हैव टू इन्वेंट न्यू टर्म्स टू डिस्क्राइब ईच इंडिविजुअल, हम लगातार इस कोशिश में रहते कि हम एक नया अल्फाज ढूंढे जो कि इस बंदे की जो मोटिव्स हैं उसको बयान कर सके, उसके किरदार को बयान कर सके। अ होपलेस अंडरटेकिंग और होपलेस को बयान कर सके। बट आरपोर्ट अर्ज दैट वी कैन टॉक अबाउट द पर्सनल डिस्पोजिशन, आरपोर्ट इस चीज़ पे जोर देता है कि हम जो है वो अक्सर बात करते हैं पर्सनल डिस्पोजिशन की। इफ़ वी फोकस ऑन द यूनिक कॉन्फ़िगरेशन और पैटर्न ऑफ द ट्रेड, अगर हम अपना ज़्यादा तवज्जो जो है वो यूनिक कॉन्फ़िगरेशन या जो हमारे ट्रेड्स की तरतीब होती है एक बंदे की शख्सियत के अंदर उस पे करनी चाहिए, इन हिज व्यू उसके नजरिए के मुताबिक, ओनली बाय फोकसिंग ऑन द यूनिकनेस ऑफ द इंडिविजुअल, अगर हम किसी बंदे की यूनिकनेस पर तवज्जो दें, कैन वी होप, हम उम्मीद कर सकते हैं टू मेक सब्सटेंशियल एडवांटेज इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनैलिटी, कि हमें एक खास किस्म की जो है वो फ़ायदा हासिल हो जाएगा किसी भी बंदे की शख्सियत को जानने के लिए। समझ आ गई है आप लोगों को? आगे आ जाता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को हम